सर, सर निकल के गए आप, सर सुनिए ना, कर हम आप उसके लिए आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल के लिए आए हैं, निकल के गए आप। दोस्तों पिछले काफ़ी लंबे समय से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कैसे हमारे मसीह भाई बहनों पर लगातार हमला किया जा रहा है, हमारे चर्चों पर, मसीह लोगों के घरों पर भी लगातार अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में लगातार मसीहों पर अटैक्स किए गए हैं। अगर यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इन दिनों में सबसे ज़्यादा मसीहों पर अटैक्स छत्तीसगढ़ और यूपी में किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मामले कुछ एमपी से भी निकल कर आते हैं। अभी कुछ समय पहले ही एमपी के दमोह डिस्ट्रिक्ट में एक चर्च पर अटैक किया गया था, बाइबल कॉलेज के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे और वहां पे बजरंग दल के लोगों के द्वारा एक रैली भी निकाली गई थी। अब यह दूसरी घटना भी एमपी की ही है, जहाँ पर भोपाल में एक मसीह विश्वासी के घर पर बजरंग दल के कुछ लोगों ने हमला किया, वहाँ पर लड़कियों के साथ भी गाली गलौज किया, लड़कियों के साथ भी मारपीट की, जबकि हमारा संविधान इस बात को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता। और जब पुलिस वहां पर आई तो पुलिस ने भी मसीह लोगों की हेल्प नहीं की, बल्कि जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी उन्हीं की हेल्प करने के लिए पुलिस वहां पर आई। हमारे जो कुछ मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, उसमें से कुछ हैं समानता का अधिकार, कि हम सभी एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। फिर उसमें है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, हम जैसी मर्जी चाहें वैसे अपने जीवन को जी सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान का कहना है। और देखिए अनुच्छेद 21 के अनुसार कोई भी भारतीय अपने जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक जी सकता है, वो कुछ भी खा सकता है, रह सकता है और कुछ भी पहन सकता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार यदि बात की जाए तो धर्म की स्वतंत्रता हर एक भारतीय के पास है, जिसको वो मानना चाहें उसको वो मान सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं और उसके रीति रिवाजों को भी मान सकते हैं, उनके पीछे चल सकते हैं। लेकिन आज जो हमारे देश में हो रहा है वो यही दिखा रहा है कि हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, अब कोई भी संविधान के पीछे फॉलो नहीं कर रहा है, सब धर्म के अनुसार चल रहे हैं, जिसको जो लगता है जैसा लगता है वो धर्म के लिए मर मिटने को तैयार है। लेकिन फिलहाल जो एमपी में हुआ है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि एक मसीह के घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई, उन्हें गाली दी गई और वहाँ पर जितने लोग थे उन्हें मारा गया, उन्हें बाहर निकाला गया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहा गया। देखिए कोई भी धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हमें दूसरे के साथ मारपीट करनी है या उनके जो पूजा के स्थल हैं या आराधना के स्थल हैं वहाँ पर जाकर हल्ला गुल्ला करना है, यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और जब लोग ऐसा करते हैं तो वो दिखाते हैं कि उनकी जो परवरिश हुई है वो परवरिश उनकी ठीक नहीं है, वहाँ पर कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर रही हैं। और अभी जो फ़िलहाल मसीहों पर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और उसमें पुलिस भी उनकी सहायता नहीं कर रही, जबकि हमें देखना है कि जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान क्या है। अब ये कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो एमपी से निकल कर आई हैं, वहाँ के कुछ लोगों ने, बिल्कुल जो चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने खुद बताया है कि आखिरकार क्या हुआ है। आइए हम इन कुछ वीडियो क्लिप्स पर अपनी नज़रें डालते हैं। और हमारे घर में वो बजरंग दल एक संस्था है, वो हमारे घर में आए और डायरेक्ट अटैक करने लग गए। उसके बाद उन्होंने हाथापाई की, हमारे यहाँ के जो भैया है उनका ब्लड भी निकल रहा है, हाथापाई की मारा पीटी की और लड़कियों के साथ छेड़खानी भी की, उनको भी हाथ उठा रहे थे और वो ये जो बैठी है इनको मारा भी है, ये जो बैठी है इन्होंने उनको मारा भी है। और वो लोग बाहर नहीं जा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, डायरेक्ट घर में घुस रहे थे और धक्का दिया, ये मेरी छोटी बहन है उसको धक्का दिया है और गालियाँ दी है बहुत गंदी और बोल रहे थे कि ये धर्म परिवर्तन है, नॉनसेंस बातें कर रहे थे ऐसा वैसा, तो तुम लोग क्यों कर रहे हो, लेकिन ये हमारा घर है तो ये हमारा राइट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये लीगल है, इलीगल कुछ भी नहीं है। अगर तो दोस्तों आपने इन वीडियो क्लिप्स में देखा कि किस प्रकार ये बहनें इस पूरी बातों को एक्सप्लेन कर रही हैं कि कैसे कुछ लोग आए, नारे लगाने लगे, मारपीट की और जो भाई थे उनके भी कॉलर को पकड़ लिया, पुलिस वहां पर आई और पुलिस इन लोगों को थाने में लेकर जा रही है।
और जबकि जो पुलिस के साथ एक महिला कांस्टेबल भी होनी चाहिए वो भी वहाँ पर कुछ नहीं है। तो नियम के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है और सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर रही और ना ही संविधान को फॉलो किया जा रहा है। जस्ट कुछ लोग आते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, धर्म के लिए जीना चाहते हैं लेकिन समझते ही नहीं कि आखिरकार धर्म है क्या। दोस्तों ऐसे हालातों में जब इंसान हमारी मदद ना करे, पुलिस हमारी मदद ना करे या फिर सरकार हमारी मदद ना करे तो हम क्या करें। हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमारी ओर है। अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब ने लिखा, उसमें सामर्थ्य और उसमें खरी बुद्धि पाई जाती है। सबसे ज़्यादा सामर्थ हमारे परमेश्वर में है और सबसे ज़्यादा बुद्धि हमारे परमेश्वर में पाई जाती है। धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले दोनों उसी के हैं। उसके बाद आप 18 आयत में देखिए, वहाँ पर गौर कीजिए। वहाँ पर अय्यूब ने कहा, वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर को बंधन से जकड़ता है। क्योंकि सामर्थ परमेश्वर के हाथ में है तो परमेश्वर राजाओं को अधिकार देना और राजाओं का अधिकार तोड़ना भी जानते हैं और वो उनकी कमर से बंधन से जकड़ देते हैं। दोस्तों सब कुछ हमारे परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए यदि मनुष्य हमारी मदद ना भी करने पाए तो भी परमेश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। आगे लिखा है, वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। जब ऐसा लगता है कि मौत हम पर आ पड़ी है और मौत की छाया हम तक पहुंच गई है, उस समय में भी परमेश्वर मृत्यु की छाया में भी अपना प्रकाश अपने लोगों पर दिखाते हैं। तो इसलिए जब ये सताव आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, देखकर दुख तो बहुत लगता है, लेकिन साथ ही साथ याद रखें कि सब बातें परमेश्वर के हाथों में हैं, परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं है। राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में है, उनकी बुद्धि परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर ही सामर्थ्य और सबसे महान है। इसलिए डरे ना, उस परमेश्वर में बने रहें, वही हमारा शरण स्थान और हमारा ऊंचा गढ़ है और जब हम उसको पुकारेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ हमें अपने भारत देश के लिए भी ज़रूर प्रार्थना करनी है, क्योंकि भारत की जो एक्चुअल सिचुएशन है इस समय वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। बहुत से राजनीतिक कारणों की वजह से अभी जो हालात हैं मसीह लोगों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगेन याद रखें कि प्रभु सबसे महान है और प्रभु की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो परमेश्वर से मदद मांगें और परमेश्वर की ओर बढ़ें।